हाय एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 26. एक इजी क्वेश्चन है जहां पर हमें एक नॉन रेसिडेंट की इनकम कैलकुलेट करनी है. दिस पर्सन इज एन इंडियन सिटीजन एंड ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई. तो देखते हैं कि कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी. द क्वेश्चन सेज, मिस्टर राजेश अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन है, सर्विंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन इंडिया, इंडियन एम्प्लॉई है, इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वॉज ट्रांसफर टू हाई कमीशन ऑफ कैनेडा ऑन 15 मार्च 2018. हमारे लिए प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर 1819. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2018. इससे पहले ही इनको कनाडा भेज दिया गया था. नॉट कम टू इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2018-19 और 18-19 में ये इंडिया नहीं आए हैं. दिस मीन्स ही इज़ अ नॉन रेसिडेंट. अगर आपको रेसिडेंशियल स्टेटस की बेसिक कंडीशंस याद हैं तो दो बेसिक कंडीशंस थी, दैट अ पर्सन मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया for 182 days or more during the previous year. Second condition thi that he must be for at least 60 days during the previous year and 365 days or more in the preceding 4 previous years. To yahan par to ye India mein the hi nahi, yani ki he is not satisfying any of the basic condition. To iska matlab ye non resident hai. To aapko yahan par question mein likhna padega that this person is a non resident aur aapko wo do basic condition ka bhi reference dena padega. उसके बाद नॉन रेसिडेंट की कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है इंडिया में. एनी इनकम विच अराइजेज इन इंडिया और डीम टू अराइज इन इंडिया एंड द इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया एंड डीम टू रिसीव इन इंडिया. तो यहां पर दिया गया है इनके कुछ इनकम के बारे में. द हिज इनकम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 18-19 इज एज अंडर सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 7,20,000. वी नो दैट इफ द पर्सन इज एन इंडियन सिटीजन and any salary which is provided by Indian government to that particular Indian citizen is deemed to arise in India. Although he is working as of now in Canada, but this income is deemed to arise in India. अगर आप section code करना चाहते हैं तो it is section 9 of Income Tax Act. But अभी के लिए इतना ज़रूरी नहीं है. So you will say that this income is deemed to arise in India. इसके हम taxable करेंगे 7,20,000. Second income says, foreign allowances from government of India. You must also be knowing there is section 10. Section 10 is exempt income. Exempt income ka section kehta hai ki all the foreign allowances, jo bhi allowances humne diye inko, government of India ne diye, because he is working abroad, all foreign allowances and all foreign perquisites are exempt. Wo sabhi exempt hote hain. To ye jo 6 lakh rupees mila hai, foreign allowance, it's an exempt. तो इसको आप टैक्सेबल नहीं कीजिएगा. तो अभी तक सिर्फ सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 7.2 लाख ही टैक्सेबल हुआ है. थर्ड पॉइंट सेज, रेंट फ्रॉम अ हाउस सिचुएटेड इन लंदन रिसीव्ड इन लंदन. यानी कि दिस इनकम इज नॉट अराइजिंग इन इंडिया बिकॉज द हाउस इज सिचुएटेड इन लंदन एंड द इनकम इज ऑल्सो नॉट रिसीव्ड इन इंडिया. देयरफॉर अ नॉन रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन सच इनकम. तो ये इनकम इनके लिए एग्जेम्प्ट होगी. हमें क्वेश्चन ने पूछा है कि इनकी टोटल इनकम कितनी है. तो वी विल शो अ हेड हाउस प्रॉपर्टी बट वी विल से दैट देयर इज नो इनकम फ्रॉम सच हाउस प्रॉपर्टी एज इट इज नॉट नीदर अराइजिंग नॉर रिसीविंग गेटिंग रिसीव्ड इन इंडिया. लास्ट पॉइंट है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन NSC ड्यूरिंग 18-19 नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. दीज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स आर इन इंडिया. तो अगर इन्होंने कोई इंडिया में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसका इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होता है एंड दैट इज IFOS. सो वन मोर हेड विल बी ओपन दैट इज IFOS और ये इनकम टैक्सेबल हो पाएगी. आप इसमें से 45,000 को टैक्सेबल कर दीजिएगा. इंटरेस्ट ऑन NSC इज टैक्सेबल अंडर IFOS. अगेन एक बात ध्यान रखनी है आपको कि IFOS की इनकम टैक्सेबल करते हैं ऑन रिसिट बेसिस या ऑन अक्रूअल बेसिस डिपेंडिंग अपॉन द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय द असेसी. दोबारा से रिपीट करता हूँ, असेसी अपनी अकाउंटिंग कैसे करता है. अगर वो अक्रूअल बेसिस पे करता है जिसको हम मर्केंटाइल सिस्टम भी बोलते हैं तो उनकी इनकम अक्रूअल बेसिस पे टैक्सेबल हो जाती है. बट इफ द असेसी फॉलोज कैश सिस्टम तो उनकी कैश रिसिट बेसिस पर टैक्सेबल होगी. तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है तो यू विल राइट एन अजम्पशन ओवर हेयर दैट वी आर अज्यूमिंग दैट द असेसी इज फॉलोइंग अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. दैट इज वाई इंटरेस्ट अक्रूड, आप प्लीज ध्यान दीजिए वहां पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड
या इंटरेस्ट अक्रूड, देयर इट इज रिटन इंटरेस्ट अक्रूड, तो इंटरेस्ट अक्रूड भी टैक्सेबल हो जाएगा विद एन अजम्पशन दैट ही इज मेंटेनिंग हिज अकाउंट्स ऑन मर्केंटाइल सिस्टम बेसिस. तो दिस वे हिज इनकम विल बी टैक्सेबल. सैलरी इनकम आएगी 720 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन जरूर दीजिएगा, आपको याद नहीं होगा शायद सेक्शन 16 में स्टैंडर्ड डिडक्शन जाएगी 40,000, तो इनकी इनकम बन पाएगी 6,80,000. हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है और IFOS की इनकम है 45,000. इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट हिज GTI. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 26.